पहले तो बधाई भाई, बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। तो क्या देवेंद्र फडणवीस गदा उठाते हुए दिखे? कल दोपहर तक जो निर्णय आना है वो देवेंद्र फडणवीस गदा के साथ साथ मुकुट पहने हुए भी नजर आएंगे क्या? देखिए, ये तो ये नेक और श्रेष्ठ की जीत है, योग्यतम की विजय है। महाराष्ट्र जो है ये बाबा साहेब की धरती है, बाला साहेब की धरती है, ये धरती केशव और माधव की धरती है, ये धरती ज्योतिबा फूले की धरती है, ये सावरकर की धरती है, ये धरती सिद्धांतहीन सियासत को अस्वीकार करती है। महाराष्ट्र की जीत बहुत कुछ संदेश दे रही है, महाराष्ट्र की धरती ये संदेश दे रही है कि बाबा साहेब और बाला साहेब की विरासत के दावेदार कौन है, सकारात्मक सियासत और विरासत के दावेदार कौन है। सबका उत्तर इस जीत से जुड़ा हुआ है। यह सिद्ध हो गया है कि अब न हिंदुस्तान बटेगा न कटेगा, एक है तो सेफ है। और राहुल गांधी की सेफ में एक ही चीज निकला, वो निकला कि कांग्रेस के साथ रहने वाला कोई भी राजनीतिक दल का भविष्य सेफ नहीं है। जो राहुल गांधी खाली सेफ दिखा रहे थे उसका परिणाम यही निकल रहा है कि जो कांग्रेस के साथ है वो सेफ नहीं रह सकता है। यह अघाड़ी पूरी तरह से किसी को वैसा वर्षा कर दीजिए धनंजय गिरी। और मैं चाहती हूं कि इस बात का बड़ा प्रिसाइज और थोड़ा धमाकेदार जवाब दीजिएगा। यहां चल गया बंटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, झारखंड ने क्यों खारिज कर दिया? उतनी उग्रता से हिमंता बिस्वा सरमा वहां मौजूद थे, उतनी उग्रता से योगी आदित्यनाथ ने कहा शंख नहीं बजाने देंगे, घंटी नहीं बजाने देंगे अगर ये डेमोग्राफी चेंज हो गई, घुसपैठियों को राशन कार्ड बांटते हैं ये। देखिए, हम वहां सियासत में भले नहीं आए हों लेकिन सरकार में है और मुद्दे नहीं मरे हैं। झारखंड में जो घुसपैठ है वो मुद्दों को हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं। जन सरोकार की राजनीति हमारी पहचान है और जो मुद्दे हमने उठाए हैं उन मुद्दों के साथ खड़े हैं। और असहमतियों के सम्मान ही लोकतंत्र है, जरूरी नहीं कि हम हर जगह जीत जाए। लोक और तंत्र दोनों पर हम एक समान आस्था रखते हैं और विश्वास रखते हैं। ना तो हम लोक पर उंगली उठाने जाते हैं और ना तंत्र पर कभी उंगली उठाने जाते हैं। हम वो लोग नहीं कि कर्नाटका में जीत जाए, तेलंगाना में जीत जाए, हिमाचल में जीत जाए तो तंत्र ठीक है, लोक भी ठीक है, और अगर हरियाणा हिमाचल अगर बगल के प्रदेशों में हार जाए तो लोक ना ठीक है ना तंत्र ठीक है और ना ही लोकतंत्र से ठीक है, लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। नहीं, हम लोक लज्जा से लोकतंत्र चलता है। इसकी बात सकारात्मक राजनीति की बात करने वाले लोग हैं, हम हमेशा इसको लेकर के चलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा था ना कि सारी उम्र गाली यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। कांग्रेस के साथ कौन है? ठीक, यही भूल झारखंड में बीजेपी कर गई क्या धनंजय जी? भाई वहां हिमंता बिस्वा सरमा शंख और घंटी बजाते रहे, योगी आदित्यनाथ वहां शंख और घंटी पर बात करते रहे और बात आदिवासियों की करनी थी। नहीं नहीं, शंख और घंटी तो बजती ही रहेगी, ये सनातन संस्कृति है और ये बजते रहनी चाहिए। और ये देश ने ही संदेश दे दिया कि बजते रहनी चाहिए। मैं झारखंड की बात कर रही हूँ, वहां पे ये क्या मिस कैलकुलेशन हो गया क्या? रीमा जी, मैं कंप्लीट तो कर दूंगा, कहिए ना प्लीज। हमने कहा कि एक एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। हाँ। ना किसी जाति का नाम लिया, ना किसी धर्म का नाम लिया, ना किसी संप्रदाय का नाम लिया। हाँ। लेकिन जब कोई कहा कि वोट जिहाद करो, मुत्तहिद रहो, 1,48,000 हमारे वोट है, एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, तो धर्म को लाया कौन सियासत में? धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किसने किया? तो आप ये जो नया जो नई पीढ़ी है ये सब कुछ समझ रही है। अंग्रेजों के जमाने की कांग्रेस के काले कारनामे की पूरी फहरिस्त बनी हुई है और ये जनता जान रही है। अच्छा, ये किसने धनंजय गिरी, हालांकि मैं बहुत पन्ने पास्ट के नहीं पलटना चाहती, किसने कहा 1.5 लाख वोट है, एक भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए? ये तो लगातार मंचों से बोला गया है। किसने? नाम बताइए ना, कोई एक नाम तो बताइए। उसका नाम मैं अभी बता दूंगा आपको, लगातार टीवी चैनलों पे दिखाए गए हैं। मैं प्रतीक्षा कर लेती हूँ धनंजय गिरी, क्योंकि ये पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये बयान मेरे सामने से गुजरा नहीं कि किसी ने ये कहा हो कि 1.5 लाख वोट इधर से उधर नहीं जाना चाहिए और बाकायदा मुसलमानों की सरपरस्ती करता हुआ कोई ऐसा बयान आया हो। मुझे दिखाइएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। हाँ करीमा जी, इसके अलावा भी एक बात हुई है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। हाँ। जब लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है ना कि शर्तों से चलता है, उलेमाओं की शर्तें तो सबको पता है, तो जो शर्तों के सामने सर झुकाए वो कौन सा मुंह लेकर के शिवाजी की सियासत और शिवाजी की विरासत के सामने जाए? जो शर्त एक्सेप्ट किया गया और बाद में उसको डिनाई किया गया, सोशल मीडिया में जो घूमा, कभी उसको सार्वजनिक खंडन तो नहीं किया गया कि भाई हम शर्तों की राजनीति नहीं करेंगे? और दूसरी बात, एक मुसहद मसूर फिल्म का डायलॉग है ना कि दोस्त अगर फेल कर जाए तो बुरा लगता है, फर्स्ट कर जाए तो ज्यादा बुरा लगता है। तो ये जो पूरा गठबंधन था उसमें तो यही तय था,
कि जो ज्यादा सीटें लाएगा हाँ। उसका मुख्यमंत्री बन पाएगा। नहीं, ये तो अंत तक धनंजय गिरी, हालांकि मैं कहती हूँ सफलता सारी आलोचनाओं का जवाब होती है, सक्सेस इज द आंसर ऑफ एवरी क्रिटिसिज्म, लेकिन ये तो आखिर आखिर तक आपके यहां भी चल रहा था कि भाई अजीत पवार अड़ गए, नवाब मलिक को कैंडिडेट बनाऊंगा, आपने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया बाकायदा शिवाजी नगर मानखुर्द में, सुरेश पाटिल को, दो दो कैंडिडेट आपके यहां भी थे गठबंधन में। देखिए महाराष्ट्र में बहुत से कई पार्टियों में इनके यहां भी बहुत से कैंडिडेट थे, इधर भी बहुत कैंडिडेट थे, लेकिन इस विषय पर हम क्लियर कट हैं भाई, हम इनको अपना कैंडिडेट नहीं मानते, जहां हमारा विरोध है वो खुल के विरोध है हाँ। और विरोध के ऊपर लगातार हमारे रहे, हम लगातार उस बात पे अड़े रहे, लेकिन जहां वैचारिक स्खलन हुआ हाँ। वैचारिक दल से राजनीतिक दल चलते हैं, महाराष्ट्र के चुनाव ने एक संदेश दिया, इस राष्ट्र और महाराष्ट्र ने एक संदेश दिया कि धृतराष्ट्र की राजनीति का अंतिम समय चल रहा है। अब धृतराष्ट्र की राजनीति का, तो मराठा मुख्यमंत्री या ब्राह्मण मुख्यमंत्री धनंजय जी, महाराष्ट्र का बेटा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा हाँ। बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा, मुख्यमंत्री तो हमारा ऑलरेडी है हाँ। नया मुख्यमंत्री जब संविधान के हिसाब से बनेगा तो महाराष्ट्र का बेटा होगा, महाराष्ट्र की सेवा करने वाला, कि आप संघ की बात कर रहे थे, संघ से जो सीखा इदम राष्ट्र आए इदम न मम, राष्ट्र के लिए स्वयं को होम करना जिसने सीखा है, जो लोग हैं उस तमाम राष्ट्र की सेवा के लिए लगे हुए हैं। उसी पर तो सवाल उठे लोकसभा में।